मैं अमरेंद्र कुमार यादव उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आज डिप्रेसिएशन चैप्टर को लेकर के उपस्थित हूँ। जैसा कि आप इस पिक्चर को देख करके अंदाज़ा लगा रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे कि आखिर ये पिक्चर क्या चीज़ यहाँ पे बतलाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्रांड न्यू कार है। ब्रांड न्यू कार में आप देख रहे हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है, ये कार कितनी अच्छी सुंदर है, जिसमें सबको सवारी करने का मन करता होगा। ये कार कुछ दिनों के बाद जैसे ही प्रयोग में आ जाती है, इसका प्रयोग निरंतर किया जाता है, कुछ समय बीतने के बाद उसकी स्थिति इस प्रकार से हो जाती है। अब दोनों स्थितियों को देख करके आप यह समझ सकते हैं कि ये किन कारणों के द्वारा हुआ है। बहुत ज़्यादा प्रयोग करने के कारण, या हम कहें कि समय के साथ साथ प्रयोग में न आने के कारण भी ऐसी स्थिति हो सकती है, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि इसका प्रॉपर रख रखाव भी सही से नहीं किया गया होगा, उसके कारण भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसके कारण तो अनेकों हो सकते हैं। इन कारणों को अगर हम व्यवस्थित रूप में देखें तो ये कारण ही इस जो नई चमचमाती कार है इसको इस रूप में ला करके खड़ा करता है, और इसे हम डिप्रेसिएशन। हम और आगे बढ़ते हैं तो एक पिक्चर ये दिखाई देता है कि यहाँ पर आपके सामने दो चेयर्स दिखाई दे रहे हैं। अब इसको अगर आप देखेंगे तो ये कितना ब्यूटीफुल है, और इसका जो फॉर्मेट ये दिख रहा है, इसका दूसरा रूप आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। तो इस पिक्चर को देख करके भी आप यह निर्णय ले सकते हैं कि इसका हमने जितना अधिक से अधिक यूटिलाइज किया, उस यूटिलाइज करने के बाद अब हम देखते हैं कि इसके सोफे यहाँ पे फटे हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जीर्ण शीर्ण दशा में है। तो इस प्रकार से हम यहाँ भी एक रीजनिंग डेवलप करते हैं, और हमारे मन मस्तिष्क में यह विचार उत्पन्न होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक प्रयोग में आने के कारण इसका स्वरूप बदल गया है। दूसरे शब्दों में इसको हम प्रॉपर ढंग से रख रखाव में नहीं लिए, हो सकता है कि यह मिसप्लेस, जिस प्रॉपर प्लेस पे इसको हमें रखना था उस प्लेस पे इसको न रखा गया हो, जिसके कारण इसकी दशा ऐसी हो गई हो। तो कंडीशंस तो बहुत से हो सकते हैं इसके स्वरूप परिवर्तन में। इन्हीं कारणों को हम देखते हुए कह सकते हैं कि जो इसके अच्छे स्वरूप को एक बिगड़े हुए स्वरूप में परिवर्तित कर देता है, तो इन सभी कारकों को, इन सभी कारणों को हम जिस नाम से जानते हैं उसको अकाउंटिंग के लैंग्वेज में हम ह्रास के रूप में जानते हैं, यानी कि ह्रास, डिप्रेसिएशन। तो आज इसी चैप्टर को लेकर के बातें की जाएंगी, और डिप्रेसिएशन को अकाउंटिंग में किस प्रकार से हम उसका अकाउंटिंग करेंगे, उसके मेथड्स क्या होंगे, उसके बारे में हम आज देखे हैं। तो आइए आप पहले तो कॉन्सेप्ट पे आइए। डिप्रेसिएशन इज द कॉस्ट ऑफ लॉस्ट यूजफुलनेस। अब डिप्रेसिएशन जो है, यहाँ पर ये जो लॉस्ट वर्ड है और ये यूजफुलनेस, इन शब्दों पे अगर आप ध्यान देते हैं तो ये कास्ट को खो देता है। किसके कारण से? तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने से
उसके बाद या कास्ट ऑफ डिमिनिएशन ऑफ सर्विस इल्ड फ्रॉम अ यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट, एक अस्थाई संपत्ति को लगातार अगर हम प्रयोग करें, बार बार प्रयोग करें, तो वो कुल मिलाकर के अपनी जो स्थिति है या अपनी वैल्यू है या उसका जो कास्ट है वो कहीं ना कहीं से उसमें कमी आने लगती है, तो उसी को हम यहाँ पर डिप्रेसिएशन कहते हैं। हम डिप्रेसिएशन के कॉन्सेप्ट को समझना चाहेंगे और ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी चैप्टर को आगे हम समझने के लिए यहाँ पर इस क्लास को लेकर के उपस्थित भी हैं। तो अब इसके कॉन्सेप्ट में हम अगले स्टेप पर आकर देखें तो ये है, आप देख रहे हैं कि अ परमानेंट फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अस्थाई संपत्तियों के वैल्यू में एक अस्थायित्व गिरावट जो आ जाती है उसे हम ह्रास के रूप में जानते हैं। जो संपत्तियां व्यवसाय में प्रयोग की जाती हैं, ह्रास के कारणों को देखते हैं कि ह्रास के लिए कौन कौन से जो कारण हैं वो जिम्मेदार हैं, उसको हम देखते हैं। तो दो कारण हैं यहाँ पर, एक आपका है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, वियर एंड टियर। तो कोई भी संपत्ति उसका अगर रख रखाव सही नहीं है तो वो डिप्रेसिएट हो जाता है, डिसयूज, उसका प्रयोग अगर आप नहीं करते हैं तो वो भी डिप्रेसिएट हो जाता है। मेंटेनेंस अगर उसका नहीं रखते हैं तो डिप्रेसिएशन के लिए वो जिम्मेदार कारक बनता है। चेंज इन प्रोडक्शन, अगर उत्पादन में परिवर्तन लाना है, जब प्रोडक्शन यूनिट बिजनेस का कहीं पे वर्क इन प्रोग्रेस है, उसमें प्रोडक्शन स्केल को चेंज करना होता है, तो वहाँ पे मशीनरी के जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को भी चेंज करना होता है, तो वहाँ पर भी जो मशीनरी पुरानी होती है वो डिप्रेसिएट हो जाती है, क्योंकि उसका जो कैपेसिटी है वो उस लेवल पे प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, उसके कारण उसे चेंज करना पड़ता है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन जो है वो कहाँ तक किया जाए उसके लिए कोई बैरियर बना दिया जाता है, तो उसके द्वारा भी डिप्रेसिएशन हो जाता है। रिड्यूस डिमांड, जो डिमांड है, जैसे पहले मोबाइल फोन्स की ही बात कर लें तो आज के डेट में एंड्रॉयड फ़ोन ज़्यादातर लोग यूज कर रहे हैं, कीपैड वाले फ़ोन कम लोग यूज कर रहे हैं, इट मीन्स स्मार्टफोन का प्रयोग ज़्यादा बढ़ गया है, तो कीपैड जो फीचर्स फ़ोन हैं उनका यूज लोग करना कम कर दिए हैं, तो वो भी एक कारण हो गया। टेक्निकल प्रोग्रेस एंड डिप्लेशन, आज अभी कुछ दिन पहले चंद्रमा पे भारत का रॉकेट गया, सूर्य को भी भेजने की कोशिश की जा रही है, तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं पुरानी मशीनों को यूज से बाहर कर दे रही हैं, ये भी एक ह्रास का कारण है। ये सब हमारे इंटरनल कारण में गिने जाते हैं, इंटरनल ये रीजन है, इंटरनल कॉजेज है। एक्सटर्नल की बात करें तो ये आपके पास समय के साथ साथ जैसे समय बीतता जाता है, जो बिजनेस में
असेट्स यूज होती हैं वो धीरे धीरे ह्रासित होती चली जाती हैं और वो एक कारण बनता है, ये एक्सटर्नल कारण में आता है। हर समय में अप टू डेट मशीनरी होती है और वो समय के मांग के अनुसार उसकी जो क्षमता होती है उस क्षमता के हिसाब से उसे प्रयोग किया जाता है। तो जैसे जैसे हमारा समय बीतता जाता है वो सब मशीनों को प्रयोग करना बंद कर दिया जाता है, ये भी एक कारण है। अब नीड्स, आवश्यकता क्यों हुई ह्रास की? अकाउंटिंग में डिप्रेसिएशन की आवश्यकता क्यों हुई, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका जो मेन मोटो, मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट कैलकुलेट होना होता है। तो सही प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें जो ये डिप्रेसिएशन है उसे एज ए एक्सपेंस के रूप में दिखाना पड़ता है। तो उस स्थिति में हमारी नीड होती है कि हमारा प्रॉफिट और लॉस सही आए, जिससे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी पिक्चर ड्रा कर रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो सही सही हो। उसके बाद देखिए, शोइंग एसेट्स एट फेयर एंड ट्रू। फेयर एंड ट्रू वैल्यू के लिए भी डिप्रेसिएशन की नीड्स होती है। और जब बैलेंस शीट को आप ध्यान में रखिए तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जैसे ही आप नज़र दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि एसेट्स जो होता है, एसेट को पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो एसेट यूज किया जाता है उस एसेट का डिप्रेसिएट, जो जिससे वो जितना डिप्रेसिएट हो जाती है उसको हम उसके कास्ट वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू से हम उसको लेस कर देते हैं। और जो डिप्रेसिएशन का अमाउंट होता है उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ला करके दिखाते हैं, जिसके द्वारा फेयर एंड ट्रू वैल्यू हमें प्राप्त होता है उस पर्टिकुलर एसेट्स का। इसके लिए भी हमें डिप्रेसिएशन की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। जो एसेट बिजनेस में आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस एसेट्स का हम यूटिलाइजेशन करते रहेंगे गोइंग कंसर्न पे, हमारा बिजनेस निरंतर चलता रहता है तो हमारा जो फिक्स्ड एसेट्स है वो एक लॉन्ग टर्म तक यूज होता है और उसका हम प्रयोग करते चले जाते हैं। तो उस केस में एक ऐसा भी समय आता है कि वह एसेट्स, पर्टिकुलर एसेट्स हमारी उस समय जा करके जब उसका रेजिडुअल वैल्यू जीरो हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, तो उस स्थिति में वो मशीन या वो एसेट्स जब यूजफुल नहीं रह पाती है तो हमें दूसरी मशीन, दूसरी एसेट्स हमें चाहिए होती है। उस स्थिति में अचानक हमारे पास फंड कहाँ से रेज हो पाएगा कि हम तत्काल उस एसेट्स को परचेज कर लें। ऐसी स्थिति में अगर हम फंड्स को रेज नहीं कर पाते हैं तो हमारा बिजनेस क्या होता है, वहीं पे ठप पड़ जाता है, जिससे हमें भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम एक प्रोविजन करने के लिए डिप्रेसिएशन का सहारा लेते हैं और उस स्थिति में हम डिप्रेसिएशन फंड्स तैयार करते हैं।
उसके लिए हम डिप्रिसिएशन फंड के लिए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन फंड्स अकाउंट तैयार करते हैं। अगला हम देखते हैं असर्टेनिंग एक्यूरेट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो लागत आती है हमारे उत्पादन की, तो एक निश्चित लागत उसकी क्या है उसे हम सर्टिफाई करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं, उसके लिए भी हमें डिप्रिसिएशन की जानकारी होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हैं, तो जब हम फाइनेंस का मैनेजमेंट करते हैं तो वहां पर हम आते हैं तो डिविडेंड की बात करते हैं। तो डिविडेंड जो हमारी एसेट्स होती है उसमें कितना बढ़ोतरी हुआ और कितनी कमी हुई, उसके हिसाब से हमारे कैश में परिवर्तन होता है। और कैश का संबंध हमारे फाइनेंस से होता है, वेल्थ से होता है, जिसका सोर्स होता है। तो हम जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट पर नज़र दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि हम फाइनेंस के सोर्स में देखते हैं इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, क्रेडिटर्स, लोन्स एट्सेट्रा, ये सब से हम फाइनेंस रेज करते हैं और उससे हम एसेट्स डेवलप करते हैं और वो एसेट्स हमारे बिजनेस में यूज होती हैं। एसेट्स यूज होते होते वो डिप्रेसिएशन का शिकार हो जाती हैं, तो उस स्थिति में उस एसेट्स का राइट फिगर देखने के लिए हमें इस डिप्रेसिएशन की नीड होती है। अवॉइडिंग ओवर पेमेंट इन इनकम टैक्स। जब हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो उस समय भी हमारे पास जो एसेट्स होता है उसका जब वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें से हम डिप्रेसिएशन को लेस करके राइट फिगर को देखते हुए जो हमारी वैल्यू होती है उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए भी हमें आवश्यकता पड़ती है। जो डिप्रेसिएशन को उत्पन्न करते हैं, तो यहां पर आप देखिए ओरिजिनल कास्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज परचेज प्राइस प्लस फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। जब हमें डिप्रेसिएशन को कैलकुलेट करना होगा तो किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ओरिजिनल कास्ट, जिस एसेट्स को हम परचेज करते हैं उसके ओरिजिनल कास्ट को ध्यान में रखते हैं। उसके बाद उस एसेट्स को बिजनेस प्लेस पे लाने के लिए क्या हमने फ्रेट दे दिया, उसको इंस्टॉल कराने के लिए इंस्टॉलेशन चार्ज हमने क्या दे दिया, ये सारे एक्सपेंस हमारे उस ओरिजिनल कास्ट को पता करने में यूज किए जाते हैं, तो ये फैक्टर्स प्रभावी होते हैं। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ, उस पर्टिकुलर एसेट्स के, पर्टिकुलर मशीन यूजफुल लाइफ की जब बात होती है तो उस समय मशीनें काम करती हैं, चलती रहती हैं, तो उस स्थिति में बीच बीच में जो रिपेयरिंग एक्सपेंस होते हैं वो भी हमारे उस एसेट्स के कास्ट में शामिल किए जाते हैं, उसको भी हम देखते हैं। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स आफ्टर विच इट विल बी डिस्कार्डेड। जब उसे हम हटाते हैं, उस मशीन का प्रयोग करना बंद कर देते हैं, तो उस समय एस्टिमेटेड रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू,
इसका भी हम ध्यान में रखते हैं कि जो मशीन हम प्रयोग करते हैं वो प्रयोग होते होते उसके कुछ पार्ट बच जाते हैं जो प्रयोग में नहीं रहते हैं, लेकिन उसको भी स्क्रैप के रूप में हम या अवशेष लागत के रूप में उसे देखते हैं, वो भी हमारा फैक्टर्स डिप्रिसिएशन को रेज करने के लिए ध्यान में रखे जाते हैं। उसके बाद तो यहाँ पर हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन। अब तक तो हमने तत्वों को ध्यान में रखा कि डिप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिप्रिसिएशन में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते समय ध्यान रखा जाता है। अब हाउ टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दो हमारे पास डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए तरीके दिख रहे हैं। तो उन तरीकों में आप देख रहे हैं कि हिस्टोरिकल कास्ट जो हमारी एसेट्स होती है उसका हिस्टोरिकल कास्ट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड और हिस्टोरिकल कास्ट, तो जो उसका लागत होता है और उसका जो एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू होता है मशीन प्रयोग के बाद जो बच जाता है वो रेजिडुअल वैल्यू जो होता है उसके बाद उसके जो ओरिजिनल कास्ट है उसमें से रेजिडुअल वैल्यू को हम लेस कर देते हैं और उसके बाद जो हमारे पास बचता है वो हमारा डिप्रिसिएबल अमाउंट होता है। अब इस डिप्रिसिएबल अमाउंट को दूसरे तरीके से भी हम देखते हैं, तो डिप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, जो मशीनरी हमारी कितने वर्ष तक यूज होंगी उसके उस यूजफुल जो लाइफ है उस नंबर ऑफ ईयर से हम डिवाइड कर देते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे पास आता है वो भी डिप्रिसिएबल अमाउंट हमें मिल जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि डिप्रिसिएशन के मेथड्स क्या क्या हैं। तो डिप्रिसिएशन के मेथड्स में आप देखते हैं कि हमारे पास पहला मेथड जो है वो है, पहला मेथड हमारा है स्ट्रेट लाइन मेथड। डिप्रिसिएशन के मेथड में पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा रिटेन डाउन वैल्यू मेथड WDV, तीसरा हमारा एनिटी मेथड और चौथा है सिंकिंग फंड मेथड, पांचवा हमारा है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। अभी हम आपको मेथड्स के नाम गिनाते चल रहे हैं। छठवां हमारा है एनुअल वैल्यूएशन मेथड और सातवां है हमारा किलोमीटर मेथड, आठवां लेबर आवर रेट मेथड, नौवां हमारा है ग्लोबल मेथड और दसवां है प्रोडक्शन यूनिट मेथड और ग्यारहवां हमारा है स्टैट्यूटरी मेथड। अब इन सारे मेथडों को ध्यान में रखते हुए हम ये देखते हैं कि यहाँ मुख्य रूप से हमारे पास जो पहला और दूसरा है स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड, इसी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कंपनियाँ करती हैं और ये जितने भी मेथड हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूनिट्स प्रोडक्शन यूनिट्स पे यूज किए जाते हैं। अब हमारा पहला जो है स्ट्रेट लाइन मेथड, यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड की सबसे खासियत और खूबसूरत बात यह है कि यह बहुत इजी ढंग से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे इट इज आल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की बात यह करता है। इसमें जो डिप्रिसिएशन होता है वो पहले साल जितना उसका अमाउंट होता है
वही अमाउंट पूरे यूजफुल लाइफ तक वो फिक्स्ड रहता है। तो इसलिए इसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। उसके बाद अंडर दिस मेथड द सेम अमाउंट ऑफ डिप्रेसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर। यही हमने अभी आपको बताया कि जो ह्रास का दर होता है, ह्रास का अमाउंट जो होता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ह्रास का दर हमेशा पूरे यूजफुल लाइफ में एक सा रहता है। और इस मेथड की सबसे खूबसूरत बात है कि इसमें जो एसेट्स होता है वो जीरो वैल्यू को प्राप्त कर लेती है, क्योंकि इसमें डिप्रिसिएशन का रेट एक जैसा होता है, तो अंत में जा करके रेजिडुअल वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाती है। रेजिडुअल वैल्यू उस एसेट्स का जीरो हो जाता है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। उसके बाद अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फार्मूला हमारे पास है। डिप्रिसिएशन पर एनम पर ईयर अगर हम कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो कास्ट है हमारा, हिस्टोरिकल कास्ट है हमारे एसेट्स का, ओरिजिनल कास्ट, इसमें से हम रेजिडुअल वैल्यू को लेस कर देंगे। जब हमें ह्रास कैलकुलेट करना है, हम लास्ट ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, जिस दिन हमारा एसेट्स बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो जाता है और उसको हम यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो पर ईयर हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है, तो उस टाइम हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर ईयर में हमारे उस एसेट्स की जो वैल्यू थी उसमें कितना ह्रास आया है। तो कास्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को लेस कर देते हैं जो बची हुई रहती है। उसके बाद जो अमाउंट हमारा बचता है उस अमाउंट को हम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा डिप्रिसिएशन का अमाउंट निकल के चला आता है। उसके बाद डिप्रिसिएशन पर एनम अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करें कि कितना हमारा परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए हमारे पास जो हिस्टोरिकल कास्ट है उसमें से रेजिडुअल वैल्यू को हम लेस कर देते हैं, जो अमाउंट हमारे पास बचता है उसको हम यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा परसेंटेज निकल के आ जाता है। और उसी परसेंटेज से हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। चार्ज करने के बाद उसको अकाउंटिंग में ले जा करके अकाउंटिंग करते चले जाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का एक एग्जाम्पल जो है हमारा है कि ऑन अप्रैल 1, 2011 द मशीन वाज परचेज्ड। एक मशीन को हमने खरीदा, 50,000 रुपये में खरीदा, और उसका जो यूजफुल लाइफ है वो हमारा 5 ईयर है। तो कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो अगर 50,000 में हमने उसे परचेज किया है और डिप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, उस रेट के हिसाब से अभी जो फार्मूला आपने देखा उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो कास्ट हमारा 50,000 था, रेजिडुअल वैल्यू दिया नहीं है तो वो जीरो हो गया। 50,000 में से जीरो को हमने लेस कर दिया। अब जो बचा 5 ईयर हमारा यूजफुल लाइफ है उससे डिवाइड कर दिया, तो जो अमाउंट आया हमारा निकल करके 10,000, ये हमारा डिप्रिसिएशन का अमाउंट है। उसके बाद अब परसेंटेज के हिसाब से अगर इसे देखते हैं, तो परसेंटेज के हिसाब से भी वो फार्मूला लगाएंगे, तो 20% हमारा आ रहा है, तो 20% के हिसाब से हमारा 10,000 डिप्रिसिएशन हो गया। इसी को हम 5 ईयर चार्ज करते चले जाएंगे, अंत में हमारी जो मशीनरी की वैल्यू बचेगी वो जीरो हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको वो फिगर दिखाई दे रहा है, अंत में जीरो हो गया। 50,000, 10,000 को लेस किया 40, सेकेंड ईयर में आपका 10,000 लेस हो गया 30, थर्ड में 20, 10, फिर जीरो। ऐसे करते करते ये हमारे पास जीरो का फिगर दिखाई दे रहा है। ये
परसेंटेज पार्ट पे दिखाई दे रहा था और वो उस अब हमारा अगला जो मेथड है ये है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, WDV की बात करता है ये। तो WDV की जब बात करता है तो यहां पर रिटर्न डाउन वैल्यू, इसमें क्या होता है कि हर साल का हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर होता है उस बैलेंसिंग फिगर पे उस पर्टिकुलर डिप्रिसिएशन रेट से डिप्रिसिएशन काउंट कर चार्ज करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हर साल डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो धीरे धीरे वो रिड्यूस होते चला जाता है। कारण ये है कि हम रिटर्न डाउन वैल्यू को मेथड को यूज कर रहे हैं। रिटर्न डाउन मेथड जो हमारा है वो बैलेंसिंग फिगर पे ही डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। अब यहां पर वो देख लीजिए, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड पे हमारे पास ये जो फार्मूला है, फार्मूला तो हमारा वही है, कॉस्ट माइनस रेडुअल वैल्यू इनटू रेट ऑफ परसेंटेज। अब डिप्रिसिएशन यहां पर देखिए, सॉरी ये हमारा 10% है, तो ये जो है ये 10% है, 10% पे 5000, अब बचा 45000, इसका 10% 4500, इसको लेस कर देंगे, फिर अब यहाँ पर 4050 लेस करने के बाद जो बैलेंस बचा 3645 आ गया। उसके बाद ऐसे हमारा ये डिमिनिशिंग मेथड चलता रहेगा। इस पे हम अब एग्जाम्पल एक देते हैं डिप्रेसिएशन के लिए कि डिप्रेसिएशन अकाउंट और मशीनरी और प्लांट अकाउंट कैसे बनता है, इस एग्जाम्पल में आपको दिखाया जा रहा है। तो एग्जाम्पल ऑफ सिंघानिया एंड ब्रदर्स, तो ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में है कि जो मशीनरी है वो 5 लाख की है, इसे कब परचेज किया गया था, अप्रैल 2002 को, ये डेट महत्वपूर्ण होता है जिस दिन हमने उसे परचेज किया है। अब इसको इस पर हमने एक्सपेंस कर दिया है 50000, ये क्या होगा, इंस्टॉलेशन चार्ज होगा और फ्रेट होगा, जो भी हो इंस्टॉलेशन चार्ज, इसमें इन्होंने बताया कि इंस्टॉलेशन चार्ज हमारा 50000 है। अब हमारे एसेट्स की वैल्यू अगर देखा जाए तो कितने की हो जाएगी, तो 5 लाख और ये 50000, दोनों मिल करके हमारा उसका कास्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि द स्लेवेज वैल्यू, स्लेवेज वैल्यू हमारा कितना है, तो 10000 है। अब ये 10000 जो है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम देखें ये 5 लाख प्लस 50000 और माइनस जो हमारा स्लेवेज वैल्यू है 10000। अब ये अमाउंट जो हमारा निकल के आएगा तो 5 लाख 40000 आया, इस पे हमको डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा और डिप्रिसिएशन का इसमें रेट दिया होगा, तो डिप्रिसिएशन का जो रेट दिया होगा उसे हम उसी रेट से डिप्रिसिएशन हम चार्ज करते चले जाएंगे। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं ये एक साल के लिए कह रहा है निकालने को, बस एक ही साल का हमें डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और उसी साल का हमें प्लांट अकाउंट बनाने को इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में बता रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि जर्नल एंट्री क्या क्या बनेगी उस पर्टिकुलर एग्जांपल पे, तो ये डेट हमारा था, ये डेट था 2002 अप्रैल, 1 अप्रैल को था, हमने क्या किया था, तो प्लांट हमने परचेज किया था कितने का, 5 लाख का। ये हमारे पास देखिए प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेज प्लांट फॉर ₹5 लाख, ये पहली एंट्री हुई। दूसरी एंट्री इसकी होगी तो प्लांट अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट 50000, ये अमाउंट हमारा क्या है, तो ये इंस्टॉलेशन चार्ज हमारा है।
उसके बाद अब जो डिप्रेसिएशन हमें चार्ज करना था, तो हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था, तो 5 लाख का किया था, और उसमें से 50,000 हमारा जो इंस्टॉलेशन चार्ज था, 10,000 हमारा वो जो स्लेवेज था, तो ये कुल मिला करके 540 पे हमारा डिप्रेसिएशन कैलकुलेट हुआ है, तो ये 54,000 हमारा 10% के हिसाब से डिप्रेसिएशन चार्ज हुआ है। तो जब डिप्रेसिएशन चार्ज होता है तो उसकी जर्नल एंट्री होती है डिप्रेसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो डिप्रेसिएशन यहाँ पर डेबिट हुआ टू प्लांट अकाउंट। उसी तरह से अब इस डिप्रेसिएशन अमाउंट को हम कहाँ पे सेंड करते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ले जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स उसको हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे और साथ ही साथ बैलेंस शीट में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम ट्रांसफर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये डिप्रेसिएशन का जो अमाउंट है उस अमाउंट से हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया और टू डिप्रेसिएशन अकाउंट हमने यहाँ पर रखा। अब इसके बाद हम अगले स्टेप पे चलें तो देखते हैं उसी जर्नल एंट्री से हम जो अकाउंट्स तैयार करेंगे तो हमारे पास एक प्लांट अकाउंट मिलेगा, उसके बाद डिप्रेसिएशन अकाउंट मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलेगा। ये तीन अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले प्लांट अकाउंट के बारे में हम देखें तो यहाँ पर जब हमने मशीनरी को परचेज किया था तो टू बैंक अकाउंट हुआ था, तो ये हमारा 5,000 आपका ये 5 लाख दिख रहा है ये। और उसके बाद डिप्रेसिएशन हमारा उस पर्टिकुलर ईयर में कितना हुआ था, तो 54,000 का डिप्रेसिएशन अमाउंट हमारा था। उसके बाद हमने इंस्टॉल किया था मशीनरी को तो 50,000 रुपये हमने उसके इंस्टॉलेशन चार्ज में एक्सपेंस कर रखा था, तो वो भी हमारा यहाँ पे प्लांट में देखिए 50,000 दिखाई दे रहा है। अब ये उसके बाद जब इसको ऐड करते हैं तो ये अमाउंट देखिए 5,50,000, और उसके बाद हमारा जो डिप्रेसिएशन का अमाउंट था ये लेस होने के बाद अब हमारे पास ये बैलेंस बचा। अब इस बैलेंस को स्ट्रेट लाइन मेथड के अगर बिहाफ पे हम इसे यूज कर रहे हैं तो हमारा डिप्रेसिएशन का अमाउंट तो एज इट इज 54,000 रहेगा ही रहेगा। अगर इसे हम WDV मेथड पे चलते हैं तो ये हमारा डिप्रेसिएशन का अमाउंट जो चार्ज करना होगा वो हमारा 4,96,000 पे चार्ज किया जाएगा। ये कब? WDV पे। और स्ट्रेट लाइन पे हमारा अगर डिप्रेसिएशन चार्ज किया जाएगा तो वो हमारा डिप्रेसिएशन का अमाउंट ये 54,000 ही रहेगा आगे के वर्षों के लिए। इस प्रकार से अब ये देखिए हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन उस पर्टिकुलर ईयर के लिए हो गया। अब आगे चलते हैं तो डिप्रेसिएशन अकाउंट अब बनाएंगे। तो हमारा डिप्रेसिएशन अकाउंट में देखा जाए तो कितना डिप्रेसिएशन हमने चार्ज किया था, तो 54,000। तो डिप्रेसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ था तो उस स्थिति में डिप्रेसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, तो यहाँ टू प्लांट 54,000। इसको कहाँ हमने ट्रांसफर किया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया था, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद अब हम देख रहे हैं तो इसको फिर 2004 में हमारा डिप्रेसिएशन वही चार्ज होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे हम ट्रांसफर कर देंगे। इस प्रकार से ये 2003 और 2004 का हमारा डिप्रेसिएशन अकाउंट बन के तैयार हुआ। अब इस लेक्चर को यहीं हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में इस डिप्रेसिएशन चैप्टर्स के जितने मेथड्स हैं उन सारे मेथड्स पे एक एक प्रॉब्लम सॉल्विंग न्यूमेरिकल लेकर के उपस्थित होंगे और आपका ये चैप्टर 2 क्लासेस में समाप्त किया जाएगा। धन्यवाद।